लेकिन इस सब की शुरुआत यहां से नहीं होती है। आज से कुछ दिन पहले मैं कुछ ऐसा था। अब तक मैं एक काफी अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा था, टेकिंग गुड केयर ऑफ माई सेल्फ एंड लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, या फिर काम के साथ साथ एआर पे गेम्स खेलना। मतलब लाइफ एकदम सॉर्टेड थी, लेकिन मुझे अब तक इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना होता है। और धीरे धीरे मेरी मेंटल हेल्थ कंडीशन खराब होने लगी, और फिर मेरा उन चीजों में भी मन लगना बंद हो गया जो कि यूजुअली करके मुझे खुशी मिला करती थी, और जिन चीजों पे अभी ना देखने की कसम खाई थी उनको देखकर डिसअपॉइंट होने लगा, यानी कि YouTube नंबर्स। एंड आई स्टार्टेड टू फील बर्न आउट, एंड देन आई रियलाइज ये सब ऐसे तो नहीं चलने वाला। मैंने उठाया अपना फोन और किया अपने दोस्तों को ये मैसेज। और लकीली सबने हाँ कर दी। बस फिर क्या, किया अपना बैग पैक और निकल गए हम लोग शिमला के लिए। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि कभी कभी जो काम बड़ी बड़ी चीजें ठीक नहीं कर पाती वो दोस्तों के साथ कुछ पल बिताने से अपने आप सही हो जाती हैं। शायद इसलिए आज यहाँ अकेला नहीं, अपने दोस्तों के साथ आया हूँ। अच्छा, स्टार्टिंग में मैं इस ट्रिप के लिए रेडी नहीं था, बट इवेंचुअली स्टार्ट रियलाइजिंग कि कभी कभी कहीं जाने से या घूम के आने से आप उस थॉट बबल, उस नेगेटिविटी या फिर उस लूप से बाहर आना स्टार्ट होते हो, विच आई एम फीलिंग राइट नाउ। और फिर धीरे धीरे मैं वो काम स्टार्ट करने लगा विच आई लव टू डू। नहीं 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 नहीं, इसका कहने का मतलब वीडियोस बनाने से है। जोन मेरे को थोड़ा सा फील अच्छा होना स्टार्ट हुआ और थोड़ी चीज़ें ग्राफ होनी स्टार्ट हो रही हैं। एंड अब डे टू की जो स्टार्ट है वो है थोड़ा सा घूम के आना और मस्ती वगैरह करी है हमने सुबह यहाँ पे, काफ़ी हमने फन वगैरह किया। प्रॉपर्टी अच्छी है, व्यू अच्छा है प्रॉपर्टी का, ये जहाँ मैं बैठा हूँ इस टाइम पर यहाँ से पूरा पीछे का पूरा व्यू है। हाँ जी, कैसा महसूस हो रहा है आप? देख सुमान, सब यहाँ पे आए हैं, थोड़ा फ्रीली महसूस कर रहा है ना? बड़ा लाइट महसूस कर रहा हूँ।
थोड़ा घूमें फिरेंगे, इंजॉय करेंगे, बंदे की सोच बदलती है। ऐसे लग रहा है पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट हो गई है, बजाय एक ही जोन में रह के थोड़ा बंदा नेगेटिव थॉट्स में या डिप्रेशन वाली साइड जाता है। देख ये सब करने के लिए थोड़े तो एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। बाहर निकलेंगे, थोड़ा घूमें फिरेंगे, थोड़ा दोस्तों में बाहर रहता है बंदा तो ज़्यादा फ्रीली महसूस करता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। हाँ जी ठीक है। अब पहाड़ों में रह के तेरे को वैसे ही बड़ा आनंद आता है, तेरा तो पहाड़ों का जोन ही अलग है। सही बात है। अब इसके बाद टाइम आ गया था थोड़ा शिमला को एक्सप्लोर करने का। टेम्पल के लिए मैं थोड़ी सी पहले उतर गया था गाड़ी से, जिसकी वॉक करके जाऊंगा। बट ये इतना स्टीप है ना, मतलब ये ऐसे दिखाऊंगे ऐसे, ये ऐसे है, ऐसे है ये चढ़ाई। अब जा रहा हूँ मैं चल के। अब इस ट्रिप का एंड हम इस जाकू टेम्पल से करने वाले थे, जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति पूरे शिमला से दिखाई देती है, क्योंकि उसकी ऊंचाई 108 फीट ऊंची है। लेकिन उसको पास से देखने का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था। वक्त के साथ साथ अब एक तो चीज मालूम पड़ गई कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है। अक्सर आपको वो सुकून वहां नहीं मिलता जहां आप उसे ढूंढते हैं, बल्कि वहां मिलता है जहां आप अपने आप को खुलकर जीने दे सकते हैं। परवीत आगे से मोड़ कर आनी है, आगे से यहाँ से नहीं। पॉजिटिविटी लग रही है, क्या बात किया, सिर निकाल के बैठा हुआ यार।